तो गुड इवनिंग फ्रेंड, क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बियर्डो मुकेश। और हम शूट कर रहे हैं अभी कश्मीर में। ये है इस सीरीज़ का पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले जाइए और आप पार्ट वन देख के आइए, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, कैसी रही हमारी जर्नी, और आगे का जो भी सीन होता है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो फटाफट जाइए और पहले वो पार्ट देख आइए, और अगर आपने वो पार्ट देख लिया है तो कैसा लगा आप इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अब इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इन्होंने हमें 3 घंटे तक वेट करवाया यहाँ पे। ये कश्मीर की मेहमान नवाजी है, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। आपने बोला जो भी, कोई बात नहीं, जो भी है। बट हाँ, एट द एंड वी रीच, हाँ, पहुंच गए, पहुंच गए। हाँ, मुझे पता किस चीज का था। तो यार, सामने जो सनसेट का व्यू आ रहा है ना, जबरदस्त अल्टीमेट नजारा है। तकरीबन घर से हम रह गए हैं 10-1 किलोमीटर के आसपास, तो फटाफट घर पहुंचते हैं और बताते हैं कि आगे कैसे क्या सीन रहा। ये है हमारी कार, ये साहिद भाई, ये इनके भाई। फटाफट चलते हैं और पहुंचते हैं घर। चलो रुके ना, ये जो रूट है ये जाता है बालटाल की तरफ और वहां से यू टर्न वापस। अच्छा, वहां से सीधा अमरनाथ। राजमा है, ठीक है, कुलचा। ये किस चीज से? स्वीट नहीं है, वो रोटी है। ये रोटी, ये चावल की, चावल की, आटे की रोटी। ये साग किस चीज का बनाता है? सरसों का। ये कुलचा किससे बनता है? ये आटे से, मैदा वाले से। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोपोर बारामूला। आज है day 3 अपनी जर्नी का। जी हाँ, 2 दिन की जर्नी थी। कल शाम को हमें यहाँ आना था, तो हम जो भाई साहब है, जो हमारे होस्ट है, जो हमें यहाँ पे लेके आए, इनका नाम है साहिद भाई। साहिद भाई ने अपने घर पे ही रुकाया। इनका घर बहुत ही अच्छा बना हुआ है, तो आपको घर के बाहर का व्यू भी देंगे और अंदर का भी, जो इनके, जो इनकी बैठक वगैरह है, जो इनके पुराने रीति रिवाज है, उसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। रात को खाना बहुत अच्छा था, उसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो लिया है जो मैं उसमें डाल दूँगा ब्लॉग में, आप देखिएगा। और अभी हम उठे हैं, अभी हमें कुछ छोटे मोटे काम करने हैं और आगे जाना है, जो श्रीनगर असेंबली है वहाँ पे बात करनी है, जिस काम के लिए हम आए हैं, तो उस काम की भी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको फटाफट फ्रेश हो जाता हूँ और यहाँ का एक छोटा सा एक रूम टूर देता हूँ और एक इनके घर के व्यू का, बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। ये इनका पूरा बड़ी सारी बैठक है जिसमें हम रात को यहीं पे सोए थे। बहुत अच्छे से हमें नींद आई, पूरा घर वाला माहौल ही है, इवन घर ही है। और ये इनका बाहर का, बाहर का मैं बाहर से ही दिखाऊंगा आपको। तो यार, मौसम ने कुछ इस तरीके से हमारा स्वागत किया है। ये है साहिद भाई का पूरा घर। घर क्या, इसको आप एक कोठी बंगलो ही बोल सकते हैं। अभी मैं इसका बाहर से व्यू दिखा नहीं सकता क्योंकि बारिश चल रही है, और ये हमारे जनाब बैठे हैं। जैसे ही बारिश वारिश बंद हो जाती है तो आपको यहाँ का बाहर का एक टूर दिखाते हैं। बाहर यार ज़बरदस्त मौसम बना हुआ है, बाहर हो रही है झमाझम बारिश, और हम अंदर ले रहे हैं चाय वाय के मज़े। साहिद भाई से बातें कर रहे हैं, इनके बारे में जान रहे हैं। अभी भी जान रहे हो? और ये हमारी बैठक थी, इसको क्या कहते हैं आपके यहाँ पे बैठक? बैठक।
ये है साहिद भाई, इन बाबा जी को तो आप जानते ही होंगे। अब है मतलब अभी भी थोड़ा टाइट करना, फटाफट जो भी चाय कॉफ़ी पीता है फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे। यह है कश्मीरी स्पेशल कावा, काफ़ी सारी इंग्रेडिएंट्स और औषधियाँ वगैरह डाली हुई है इसके अंदर। डॉक्टर साहब मिला रहे हैं नींबू, और नींबू डालते हैं इसका जो कलर है एकदम से पूरा चेंज हो जाएगा। पहले जब लाए थे तो प्लेन था, और अभी देखिए पूरा जो इसका कलर है वो हो चुका है चेंज। तो इसको फटाफट से पीते हैं, और जो भी थोड़ी बहुत ठंड लग रही है वो सब इससे एकदम सही हो जाएगी। ये साहिद भाई लेके आए हैं दो टाइप के कुलचा, ये है अपने चावल की रोटी, पहले काम को आप साइड में रखो, हाँ हाँ हाँ, काम काम, और नमकीन कश्मीरी चाय। तो हम नहा धो के पूरे रेडी हो चुके हैं, अब कहीं घूमने के लिए बाहर निकल रहे हैं। थोड़ा बहुत जो भी सामान लेना था वो हमने ले लिया, वो वहाँ पे पड़ा है। और ये है साहिद भाई का घर, इसका एक पूरा टूर देंगे आपको। ये देखिए ये पूरी कोठी बना रखी है इन्होंने। ये जा रहे हैं हमारे साहिद भाई बंगलो के अंकल, और खड़े हैं काफ़ी सारे पेड़ वगैरह लगे भी लगा रखे हैं इन्होंने। ये मैंगो का पेड़ लगा रखा है, उधर इन्होंने लगा रखा है कश्मीरी अखरोट, ये खजूर, ये काजू का पेड़, काजू निकलती है। ये देखिए काजू अखरोट मतलब तो इनके नॉर्मल है। और वो है नाशपति नहीं, वो वाला, और ये वाला, ये भी नाशपति का है ना वो। और ये है अखरोट की हाइब्रिड, और वो है प्योर कश्मीरी अखरोट ये वाला। तो ठीक है जैसा भी है, बहुत ही प्रेम से अंकल ने रखा, मतलब खाना पिलाना अपने छोटे बच्चों की तरह हमें रख रहे हैं। कोई मतलब सुबह से जब से आए हैं कल शाम से ये खा लो वो खा लो, कई 7-8 तरह के आइटम खिला दिए, बस खा रहे हैं, खा 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 के हालत हो रही है ख़राब, क्योंकि बहुत ज़्यादा खा लिया। अरे बस आपका आपका बड़प्पन है। बाकी पीछे जो आप देख रहे हैं वो है साहिद भाई का बंगलो, ये हैं चाचा, ये है बड़े चाचा, और वो आ रहे हैं दाढ़ी वाले बाबा। दाढ़ी वाले बाबा पे जूम किया जाए। तो ठीक है जैसा भी है, हम फटाफट थोड़ा कुछ घूम के आते हैं। यहाँ पे कोई एकाध कोई कौन सी लेक बता रहे थे, एशिया में सबसे बड़ी, एशिया में सबसे बड़ी लेक है ये बता रहे हैं, तो उस पे जाएंगे, उसको एक्सप्लोर करेंगे और दिखाते हैं आपको आगे का क्या जो भी सीन रहता है। तो यारो हम अभी आए हैं ये रेशम के सीड फार्म में, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे है एशिया की सबसे डीपेस्ट लेक, वो आपको अभी दिखाएंगे। और ये एशिया की फोर्थ नंबर पे मीठे पानी की जो लेक है उसमें भी इसका फोर्थ नंबर पे प्लेस आता है, तो आपको दिखाते हैं नेक्स्ट शॉट में। ये देखिए खारे पानी की तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी, मीठे पानी की फोर्थ नंबर पे इसका प्लेस है, तो ये भी आपको दिखाते हैं। ये श्रीनगर से थोड़ी दूर है, और एक हिडन जेम है श्रीनगर का, तो वो भी आप देख के एंजॉय कर सकते हैं। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये फैली हुई है। आपको दिखाऊं हमारे कश्मीरी भाई क्या कर रहे हैं, रील्स वील्स बनाने की तैयारी कर रहे हैं। 2-3 दिन में फेमस होके ही जाना है हम सबको यहाँ से। मुझे इनकी भाषा वाषा बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लेकिन ये पता चल रहा है ये कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं।
मुझे कोई क्या गर्म कर रही है वो वीडियो कौन है ये कहते हैं ये यो व्हाट्सएप सब्सक्राइब मारो सब्सक्राइब सब्सक्राइब लाइक एंड फॉलो वीडियो सुन लिया आप सबने फटाफट सब्सक्राइब करो जल्दी। तो यार इससे बढ़कर आपको प्यार कहाँ मिल सकता है कि हम इनके किचन में बैठ के सब साथ बैठ के ठीक है ना आराम से खा रहे हैं ट्रेडिशनल जो भी है इन्होंने बनाया। ये है तो ये है कद्दू की सब्जी, ये है सरसों का साग और ये प्याज और कुछ मिक्स सब्जी है ठीक है। वो है होममेड दही और ये है इनके बढ़िया हाथ वाथ धुलाने का आइटम पहले अच्छे से मेहमान। और हाँ ये जो भी बर्तन है ना ये सारे चांदी के, ये देखिए ये उन पानी वानी पीने का और जो भी आइटम है। और मेन बात क्या पता है, हमारे आने से साहिद भाई को ये सब पता चल गया कि किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। बाकी इससे पहले इनको ये भी नहीं पता था। तो यारो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आज है डे 4 हमारा कश्मीर में और रोज की तरह हमने कल भी कुछ नहीं किया कल भी बस इस इंसान ने खिलाया और इतना खिलाया कि बस खा पी के हम पड़ गए ठीक है। अब आज कपड़े वपड़े पहन के रेडी हुए हैं कि हाँ कहीं जाना है, लेकिन हमें पता है कि आज भी कहीं नहीं जा पाएंगे। और ये फोकस सिर्फ शिवाय पे ले रहा है, ये गलत बात है, यहाँ होना चाहिए फोकस। हाँ अब ठीक है, तो फटाफट नीचे चलते हैं और जाते हैं कहीं डेस्टिनेशन पे। आज कहाँ घुमाएंगे आप? गुलमर्ग। कन्फर्म के कल की तरह मतलब गुलमर्ग चाहे किसी की नहीं, नो वल्गरिटी क्योंकि इसमें जितने भी मेरे 50-100 सब्सक्राइबर हैं फैमिली वाले भी हैं। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है वो आपको आगे पता चलेगी। साथ में लेके घूमते हैं, इसमें पता नहीं क्या है इसमें, इस आदमी की जान बसी हुई है मतलब समझ रहे हैं ना आप, कुंवारा भी है और बहुत सारी चीजें हैं वो आपको आगे पता चलेगी। तो दोस्तों क्या खबरस, सब ठीक ठाक? थोड़ी थोड़ी कश्मीरी भाषा मैं सीख रहा हूँ डॉक्टर साहब से। तो फाइनली हम निकल चुके हैं, अब थोड़ा बहुत घूमते हैं फिरते हैं और यहाँ की जो भी लोकेशन है, जो अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन है, उसको देखने की और आपको दिखाने की कोशिश है। ताऊ जी भी हमारे साथ में है और ये पीछे दाढ़ी वाले बाबा भी। फटाफट जाते हैं और आपको मिलते हैं किसी प्यारी सी लोकेशन में। खातूनों की नजर हट नहीं रही थी आपसे मुकेश। तो फ्रेंड्स वी आर इन सिंह कॉलोनी और ये भाई साहब हमें लेने आए थे, इनका बहुत बड़ा बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। आपको कश्मीर में किसी भी टाइप का कोई भी सामान कंस्ट्रक्शन का चाहिए हो कांटेक्ट कीजिए, लोहार से संपर्क कीजिए इस बंदे से। यात्री यही ब्लॉग ये वो बंदा, हाँ ये भाई साहब का मटेरियल चाहिए ना कर लगा। हम आप सिंह साहब के घर जा रहे हैं, सिंह साहब के घर थोड़ी देर 5-10 मिनट रुकेंगे, फिर उसके बाद में निकलते हैं वापस। थोड़ा सा प्लान में हमारे हो गया चेंजेस आते रहते हैं वैसे जिंदगी में है ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है, संसार का नियम है, कोई बात नहीं अंदर जाते हैं। तो फ्रेंड्स दिस इज रियल कश्मीर, ये एक अलग ही रास्ता है गुलमर्ग तक पहुंचने का, काफ़ी शॉर्ट है लेकिन काफ़ी रूरल एरिया से होके जाता है और नज़ारे आप देख सकते हैं मतलब अल्टीमेट है। जो भी आपने आज तक व्लॉग्स वगैरह हम देखे हैं तो वो हाईवे से होके जाते हैं, तो उसमें इस टाइप के और जो लोकल कल्चर वगैरह है आपको उसमें देखने को नहीं देखने को मिलेगा। और इसका पूरा का पूरा जो श्रेय है इन भाई लोगों को जाते हैं क्योंकि ये पूरे अपने मन से और दिल से कह रहे हैं कि हम आपको ऐसे रास्ते से लेके जाएंगे जो आपने अब तक नहीं देखा होगा किसी भी ब्लॉग। इसको भी जाता है, इसकी शक्ल देखिए। हाँ, ये दूल्हे राजा, एक्चुअल में हम जा रहे हैं इनकी शादी में, अब क्या पता कि शादी होगी या नहीं होगी, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट है वो आगे। ये यार कैमरा बार बार क्यों सिवाय पे यार ये फोकस ले रहा है, अभी दूल्हे पे होना चाहिए। हाँ ये और एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी है तो वो भी आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब कुछ इस
जगह के बारे में, क्या है क्या नहीं? ये टंगमग है, जो कश्मीर की एक जगह है जिसका नाम टंगमग है। तो यहाँ पे पहुँचे हम, यहाँ से हम डायरेक्टली गुलमर्ग जाएंगे। तो यहाँ पे राज भाई को एक ग्राउंड सा मिला जहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड था। हाँ हाँ, वो दिखाते हैं आपको, ये देखिए। क्राउड वहाँ पे इसलिए क्योंकि वहाँ पे मैच हो रहा है। तो यहाँ पे हो रही है अननेसेसरी जेसीबी की खुदाई, इस वजह से लग गया छोटा सा जाम। पर हम कहाँ रुकने वाले थे, हम निकल लिए पैदल। टाइर भाई को बोला कि आप लेके आ जाइए हमारी धनों को, वो वहाँ खड़ी है पीछे। बाकी नज़ारे देख रहे हैं यार, एकदम मतलब अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है। पहाड़ों पर है ना, आप जैसे जैसे 5-10 किलोमीटर ऊपर चढ़ते जाते हैं तो आपके जो सीनिक व्यू है वो एकदम से चेंज होते हैं। अब यहाँ पर हो रही है धूप और वहाँ है छाँव। यार देखो, इंसानों के यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी पेड़ों को काटना पड़ता है। और यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, लेकिन क्या पता क्या जरूरत थी इनको, यही लोग जाने। सरकार है अपने हिसाब से चलती है। ठीक है, जो भी है, प्रकृति का आनंद लीजिए। तो हम गुलमर्ग पहुंच चुके हैं, लेकिन ये है कि अब लगी हुई है भयंकर वाली भूख। तो पहले कुछ खाते पीते हैं, फिर उसके बाद में जो भी ये मैदान वैदान है, अभी स्नो तो नहीं है क्योंकि बारिश का और ये साली सीजन है, तो उसके बाद में जो भी है वो सारी चीज बताते हैं आपको। और सबसे पहले जो भी है फटाफट कुछ खा पी के और उसके बाद में चलते हैं। तो ये पूरा मार्केट है गुलमर्ग का, अधूरा नहीं है। ये इनसे पूछते हैं। तो यहाँ पे एक ये मंदिर भी है। मंदिर के कुछ है, ये कुछ शिव जी, शिव जी। ये है यहाँ का पूरा मार्केट, टेंपल है ना सामने, वो है शिव टेंपल गुलमर्ग का। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि हम जैसे ही ऊपर जा रहे थे तो यहाँ पे जो भी J&K टूरिज्म वाले हैं उन्होंने हमें रोक दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। वो ये हैं कि या तो आपकी आगे होटल तक बुकिंग है तो होटल तक आपकी गाड़ी जा रही है, और या फिर दूसरा ये है कि या आपके पास कोई आर्मी का पास है तो आप जा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं तो जा सकते हैं। हमारे पास ये तीनों ही चीज़ें नहीं थी। और हम सीनियर सिटीजन भी नहीं, हम सीनियर से हाँ जो बूढ़े सीनियर सिटीजन या फिजिकली डिसेबल्ड इंसान हो वो भी जा सकते हैं। तो अपने ऐसा कुछ नहीं है, हम सही सलामत है। तो हम या तो घूमेंगे पैदल या फिर जाएंगे घोड़े खच्चर, जो भी होता है। घोड़े खच्चर पर नहीं जाना, कैसे जाएंगे? पैदल जाएंगे, पैदल कन्फर्म। ठीक है, चलो चलते हैं पैदल। ये घास है यार, क्या फूल है ना, घास नहीं है ये फूल, हमारे हम इसको घास कहते हैं पर हम फूल बोलते हैं। अब क्या करें यार, आपकी घास ही इतनी सुंदर है। एक्चुअल में सीन ये है कि मुझे जो सूरजमुखी के फूल लग रहे हैं वो ये भाई बोल रहे हैं कि हम हमारे यहाँ पे इनको घास बोलते हैं, लेकिन मुझे यार ये सीन अच्छा लगा तो मैंने शूट कर लिया। तो किसी ने सही बोला है ना, तभी अगर जन्नत है वो यही है। हाँ, ये यही है। कश्मीर तो भाई है ही जन्नत, और कश्मीर के लोग ये देखो भाई, हमारे इतने दिनों से मतलब हमारे पीछे अपनी नजरें बिछाए हुए बैठे हैं। तो थोड़ी सी हम निकले हैं एक नेचर वॉक पर, तो थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट भी हो जाएगा। एक्चुअल में यार गाड़ी पे या खच्चर पे हो पाते तो वो एक कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है नेचर के साथ में, तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ा एक यहाँ पे कोई टेंपल एम्पल है, महाराजा टेंपल है तो वहाँ तक जाते हैं, उसको एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं आगे। शिवाय वह झाड़ियों में जा रहा है, इसलिए इसको बोला था कि सुबह फ्रेश हो जा घर से। नहीं 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 हो भाई, अरे कोई कुछ हो जाए तो बता देना।
भाई वो गया है हल्का होने, हम तो अच्छे से हो लिए थे क्योंकि हमने रात को क्या जड़ी बूटी खाई थी, लेकिन उसके जड़ी बूटी कर गई उल्टा असर, क्योंकि उसका मन उस टाइम रात को सही नहीं था, वो पूरा भूत बना हुआ था। हमसे भी उसने लड़ाई करी, लेकिन ठीक है यार, हमने जैसे तैसे करके उसको समझा लिया, बच्चा है अपना, छोटा भाई है, ठीक है यार, चलो अब वो हल्का होके आता है, जब तक हम यहाँ के यहाँ उसको क्या दिखाए, वो गंदा है साला, हाथ हाथ भी क्या पता कहाँ से धोएगा कहाँ नहीं धोएगा, अपन अपन मजे ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये है पूरी गुलमर्ग के ऊपर की लोकेशन, गंडोला से भी हम काफ़ी आगे आए हैं, जब जाके इस टाइप की कुछ लोकेशन हमें देखने को मिली है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। हमारे भाई वगैरह वहाँ खड़े हैं, कुछ भाई यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह करवा रहे हैं, और एक ये छोटा सा नदी का एक झरना टाइप कह दीजिए, वो काफ़ी ऊपर से आ रहा है, तो बहुत ही प्यारी लोकेशन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाय, देखो भाई लोगों, मैं लगभग हर ब्लॉग में कहता हूँ और इसमें भी कहता हूँ यार, ये कचरा मत फेंको यार, ये देखो ये क्या है यार, यहाँ पे बोतल डाल के चले जाते हो क्या, तुम्हारे किसके अब्बू के, अम्मा के, पापा के, दादा के, किसका नाम निकल रहा है ये कचरा फैलाने से यहाँ पे। यार इतना सुंदर नज़ारा है, ये कितनी चीज़ खटक रही है यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है। तो हम अभी गुलमर्ग की जो फेमस जो गंडोला है वहाँ पे आए हैं, एक्चुअल में जा तो नहीं पाएंगे क्योंकि काफ़ी लेट हो गया और बहुत सारे काम भी है, तो वापस फटाफट निकलना है, लेकिन बाहर से ही थोड़ा बहुत व्यू देखते हैं और आपको दिखाते हैं। ये पीछे कुछ इस टाइप के पाइन और पाइन ट्रीज वगैरह है, और आगे के सीन आप देखिए, ये यहाँ से ऊपर की तरफ जो है ये गंडोला को रास्ता जाता है, तो ये एंट्री पॉइंट है यहाँ का गंडोला का, ये आपको ये देखिए ये वाला एंट्री पॉइंट है, और वहाँ पीछे गंडोला है, अभी चलते हैं फटाफट आपको वो दिखाते हैं। तो ये आ रहा है अपना गंडोला, बेसिकली ये ऊपर पीक तक लेके जाता है, फिलहाल तो अभी जाना नहीं होगा क्योंकि यार हम बहुत लेट आए थे, एक्चुअल में सुबह अगर यहाँ से आना हो तो सुबह निकलना होता है जल्दी, और हम निकले थे तकरीबन 2-2.5 बजे के आसपास, भाई ने मना भी किया था लेकिन वो मेरी जिद थी, गया नहीं, एक बार चलना है मतलब चलना है, मतलब आप लोगों के लिए मैंने इनका दिल तोड़ा, फिर भी लेकिन फिर भी ठीक है यार, कोई नहीं भाई, अपना इतना ये माइंड नहीं करते, कल इनके यहाँ पे भी जाएंगे, वो भी आपको व्लॉग में आके देखने को मिलेगा। तो यार बेसिकली ये है गंडोला, ये इनका ऑफिस है, ऑफिस एक्चुअल में आगे है, यहाँ से भी जा सकते हैं, तो हम फिलहाल हमें आपको ही दिखाना था, हमारा भी जाने का कोई प्लान है नहीं, पीछे वहाँ पे कुछ होटल्स वगैरह हट वगैरह बनी हुई है, कुछ लोकल बंदे भी यहाँ पे आए हुए हैं घूमने के लिए, एंड आगे ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जो भी है आगे का सीन आपको दिखाते हैं। तो ये इनका वेटिंग रूम है, काफ़ी सारी चेयर्स वगैरह लगी हुई है, और पूरा वुडन इंटीरियर में है, इवन ये देखिए आप, मतलब पूरा एक अलग ही फील है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी सारी चेयर्स वगैरह लगी हुई है, तो आप प्रे रूम वगैरह, मतलब मल्टीपर्पज़ चीज़ है ये, विंटर में कुछ ये इस टाइप का रहता है। तो ये है अपना गंडोला, बहुत ही उम्दा टेक्नोलॉजी है इसकी, मतलब काफ़ी हैवी मशीन्स वगैरह का यूज़ किया हुआ है, ये जाता है तकरीबन ऊपर, काफ़ी ऊपर तक, वहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह है, तो आपको कभी जाना हो तो आप डायरेक्ट यहाँ आके इसकी राइड कर सकते हैं। 740 कितना? 740 ओके। किड्स वगैरह के कोई डिस्काउंट रहता है या?
फिक्स है, मतलब ऐसा कुछ है कि 8 ईयर से ऊपर या 8 ईयर से नीचे ऐसा कुछ बच्चों को? 3 साल से नीचे तो फ्री है। फ्री है, उसके बाद में 740। और ये कितने किलोमीटर तक ऊपर जाता है? 3 किलोमीटर। एक और सेकंड फेज का होगा उसको 950। अच्छा, इसके बाद एक और है। तो दोस्तों इसके बाद ये तकरीबन 3 किलोमीटर जाता है, इसकी प्राइस है 740। और एक इसके बाद में एक और है, वो कितने किलोमीटर है? 3.5 मतलब 3.5 किलोमीटर है, उसकी प्राइस है 950। ओके, तो ठीक है, कभी नेक्स्ट टाइम होगा तो ज़रूर, अभी तो लेट हो रहा है, भाई लोगों के साथ निकलना है। तो यारो ये यहाँ का चिल्ड्रन पार्क है, जो तकरीबन जो वो पॉइंट था वहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर है। आप यहाँ पर तक पैदल भी आ सकते हैं और घोड़े खच्चर और वो सारी सुविधाएं तो है ही। और बच्चों के लिए यहाँ पे काफ़ी एटीवी राइड वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और एक वो छोटा सा पॉन्ड टाइप बट तो वहाँ पर आप बैठ सकते हैं फैमिली के साथ में, पिकनिक वगैरह इंजॉय कर सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, काफ़ी अच्छा ग्राउंड है। तो अब इस वीडियो को यहीं पे फ्रेंड्स करते हैं एंड, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, ज़्यादा बड़ा होगा तो फिर आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, और कुछ प्यारा सा कमेंट, जो भी आपकी राय हो वो कमेंट्स में ज़रूर लिख देना।